नमस्कार दोस्तों, एमसी टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोटर कार्ड के बारे में। अगर आपका वोटर कार्ड का चेंज करना है, वोटर कार्ड का प्लेस चेंज करना है, एक विधानसभा क्षेत्र से दूसरी विधानसभा क्षेत्र में आपका वोटर कार्ड अगर चेंज करना है तो कैसे करोगे आप, इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देंगे। बहुत सारी वीडियो मैंने देखा यूट्यूब में, कुछ वीडियो में तो गलत जानकारी दिया हुआ है। तो आइए इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखते रहिए, तो हम आपको ठीक से सही जानकारी देंगे, क्योंकि मैंने खुद ऑफिस जाके पता करके आपको बता रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, एक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और पास में जो बेल आइकन बटन है इसको भी दबा दे, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास जल्द ही पहुँच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको nvsp.in इस पोर्टल में आना है, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, इस वेबसाइट में आपको आना है। आने के बाद आपको यहाँ पे नीचे जो लॉगिन रजिस्टर का ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आपने फर्स्ट टाइम यहाँ पे लॉगिन कर रहे हो तो आपको पहले रजिस्टर करना चाहिए। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है डोंट हैव अकाउंट रजिस्टर्ड एज ए न्यू यूज़र, इस ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना है और अपना यहाँ नीचे कैप्चर देके OTP सेंड करके आपको यहाँ पे एक अपना ID क्रिएट कर लेना है। तो ID क्रिएट करने के बाद आपको फिर से होम में जाना है, और जाने के बाद फिर से लॉगिन, यहाँ से आपको लॉगिन करना है। आपको यहाँ पे यूज़र नेम देना है, यहाँ पे पासवर्ड देना है, और यहाँ पे नीचे आपको कैप्चर देना है, देखिए लॉगिन करना है। चलिए मैं मेरा ID बना के रखा हुआ हूँ, तो मैं इस ID को लॉगिन कर लेता हूँ। चलिए मेरा ID यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। तो यहाँ पे जो माइग्रेंट टू अनदर प्लेस, इस ऑप्शन में आपको क्लिक करना है, क्योंकि आप यहाँ पे माइग्रेशन कर रहे हो, आप एक एड्रेस से दूसरी एड्रेस पे शिफ्ट कर रहे हो, इसलिए आपको यहाँ पे माइग्रेशन टू अनदर प्लेस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पहला सेल्फ ऑप्शन है, उसके बाद दूसरा फैमिली का ऑप्शन लिखा हुआ है। तो क्या करना है, आप अपना जो खुद का कर रहे हो तो सेल्फ ऑप्शन में क्लिक करना है, और अगर आप फैमिली मेंबर का करते हो तो इस फैमिली में आपको क्लिक करना है। फैमिली के क्लिक करने के बाद उस फैमिली जिसका आप चेंज करना चाहते हो उसका APIC नंबर और अर्थात वोटर ID कार्ड नंबर यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेल्फ करना चाहता हूँ, अपनी खुद का करना चाहता हूँ, इसलिए सेल्फ ही रहने देता है। और नीचे पे दोनों ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन पे आप ध्यान दीजिए, इखाने लिखा हुआ है यहाँ पे माइग्रेशन आउटसाइड योर कंसल्टेंसी। अगर आप दूसरी क्षेत्र के विधानसभा में अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि आप दिल्ली से मुंबई जाना चाहते हैं, वहाँ का एड्रेस आप देना चाहते हैं, तो आप फर्स्ट ऑप्शन को आप सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप अपने क्षेत्रों के विधानसभा में आप अप्लाई करना चाहते हैं, सिर्फ एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, शादी के बाद ऐसा होता है, तो आप दूसरी ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिएगा। समझ में आया मेरा बात, फिर से मैं बताता हूँ, अगर आप स्टेट चेंज करता है और आप विधानसभा चेंज करता है तो आप पहले ऑप्शन पे सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है, और आप अपने ही विधानसभा में अप्लाई कर रहा है तो आप दूसरी ऑप्शन पे आप सिलेक्ट कीजिएगा। चलिए मैं स्टेट भी चेंज करूँगा, दूसरी स्टेट में के लिए अप्लाई करूँगा, तो मैं पहले ऑप्शन में ही रहने देते हैं और नेक्स्ट में क्लिक करते हैं। यह मैं फर्स्ट में हिंदी लैंग्वेज में होके रहेगा, आप अगर चाहते तो हिंदी में भी फिलअप कर सकते हो, बहुत सारी भाषाएँ देखे रखी है, तो आप हिंदी ही रहने
रखना चाहते हो तो रख सकते हो। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें फिलअप होके रहता है, ये आपको ध्यान देना है। अगर आप यहाँ पे कोई भी ऑप्शन चेंज करते हो तो तुरंत आपका यहाँ पे ऑप्शन सारे जो लिखा हुआ है वो हट जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपको पहले से जहाँ का ये वोटर आईडी था वहाँ का राज्य यहाँ पे लिखा होके आ रहा है, ठीक है, ये दोनों लिखा हुआ होके आ रहा है। लेकिन अगर आप दूसरे एड्रेस पे जाओगे, मैं यहाँ पे महाराष्ट्र का दिख के रखा है, अगर मैं वेस्ट बंगाल का एड्रेस में जाना चाहता हूँ तो यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यही गलती कर बैठे हैं हर सब। यहाँ पे आपको जो यहाँ पे दिया हुआ है ये रहना नहीं चाहिए। अगर आप दूसरी एड्रेस पे जाना चाहते हो, आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ का ही एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे अपना लैंग्वेज चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ हिंदी इंग्लिश कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इंग्लिश में फिलअप करूँगा फॉर्म। तो देखिए जब ही मैं यहाँ पे इंग्लिश किया तो यहाँ का सारा जो फिलअप होके था हुआ था वो चला गया, ठीक है। मैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल में जाना चाहता हूँ, वेस्ट बंगाल का यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ आप जाना चाहोगे वहाँ का ही यहाँ पे एड्रेस भरना पड़ेगा फास्ट। और डिस्ट्रिक्ट में जाना देना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट में पश्चिम मिदनापुर का करता हूँ और कंसल्टेंसी में दासपुर का कर लेता हूँ। और यहाँ पे ऐसे फर्स्ट टाइम वोटर ही तो नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना चाहिए, ड्यू टू शिफ्टिंग फ्रॉम अनदर कंसल्टेंसी, इस ऑप्शन को आपको रखना चाहिए आपको अगर वोटर कार्ड हो गया है तो। फिर आपको यहाँ पे आपका जो नाम है वो भरना पड़ेगा, आपका यहाँ पे फर्स्ट नेम भरना पड़ेगा, यहाँ पे आप इंग्लिश में लिख सकते हो, यहाँ पे आपका जिस जो लोकल लैंग्वेज है वो आप यहाँ आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे मैं एक लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेता हूँ, आकाश, AKASH, आकाश देखने देख पा रहे हो बंगाली में लोकल लैंग्वेज आ गया। अगर कुछ आकाश यहाँ पे मैं सरनेम भी लिख दिया रॉय, यहाँ पे आप देख पा रहे हो रॉय स्पेलिंग गलत आ रहा है रॉ, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे आपको क्लिक करना चाहिए, यहाँ से आपको इस स्पेलिंग को ठीक कर लेना है। अब जिस लैंग्वेज पे आप यहाँ पे लिखना चाहोगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, आप यहाँ से लिख के आपको ठीक कर लेना है। मैं यहाँ को ठीक कर लेता हूँ, यहाँ से लिखने का थोड़ी दिक्कत है, खोजना पड़ता है। चलिए ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे उसका रिलेटिव का नाम आप जो भी देना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। रिलेटिव का नाम आप अपना फादर का नाम दे सकते हो, अगर ये कोई औरत का फॉर्म भर रहे हो तो उसका हस्बैंड का नाम दे सकते हो अगर शादी हो गया तो, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसका रिलेटिव का नाम लिख देंगे फर्स्ट नेम, और यहाँ पे रिलेटिव का लास्ट नेम आप लिख दोगे। यहाँ पे रिलेटिव का फर्स्ट नेम लिखोगे, क्या प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे रिलेटिव का फर्स्ट नेम लिखोगे और यहाँ पे रिलेटिव का लास्ट नेम आप लिखोगे, और यहाँ पे रिलेशन टाइप, ठीक है। अगर आप
फादर का नाम लिख रहे हो तो यहाँ पे फादर मदर का लिखोगे मदर, हस्बैंड का लिखोगे तो हस्बैंड, तो अगर फादर का लिखोगे तो यहाँ पे फादर रखना चाहिए। यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जेंडर ऑफ एप्लीकेंट, तो आपका जेंडर क्या है ये आपको भरना चाहिए, अगर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल आप भर देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे मेल भर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जिस स्टेट में आप जाना चाहते हो यहाँ ऑटोमेटिक होके रहेगा, डिस्ट्रिक्ट पश्चिम मेदिनीपुर। यहाँ पे आपको हाउस नंबर भरना पड़ेगा, आपका हाउस नंबर, आपका जो घर है उसका नंबर यहाँ पे भरना पड़ेगा। मैं एक दे देता हूँ, चलिए दे दिया। फिर यहाँ पे आपको स्ट्रीट एरिया लोकेलिटी आपको यहाँ पे भरना होगा, फिर यहाँ पे आपका विलेज भरना होगा, फिर यहाँ के पोस्ट ऑफिस और यहाँ पे पिन कोड, ये सब आपको भरना पड़ेगा। और परमानेंट एड्रेस और ये ऑर्डिनरी एड्रेस आपको सेम है तो वही आपको भर देना चाहिए, हाउस नंबर, एरिया, विलेज, जो भी है, स्टेट कोड, स्टेट, पोस्ट ऑफिस पश्चिम मेदिनीपुर। और यहाँ पे आपको ध्यान देना, आपका अगर एपिक नंबर और मतलब आपका वोटर कार्ड ऑलरेडी है तो उसका नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पे फैमिली का वोटर कार्ड आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। आप फादर का भी डाल सकते हो, आप मदर का भी डाल सकते हो, अपना हस्बैंड का भी डाल सकते हो, जिसका है उसको आप वोटर कार्ड का नंबर आप यहाँ पे डालोगे। उसके बाद क्या है, डिसेबिलिटी, अगर आपका कोई भी तकलीफ है, आप डिसेबिलिटी हो, वायरल इम्प्रेंस है, आँखों का कोई प्रॉब्लम है, बोलने का कोई प्रॉब्लम है, सुनने का कोई प्रॉब्लम है, जो भी अगर आपका कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आप टिक मार्क दे सकते हो, नहीं तो अदर्स कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, अगर नहीं है तो ये आप छोड़ दीजिए, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी दे सकते हो, ये ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। यहाँ उसके बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हो, मोबाइल नंबर देंगे तो अच्छा रहेगा, ये भी ऑप्शनल है, छोड़ भी सकते हो, लेकिन आपको देना चाहिए, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आपके साथ ऑफिस में ऑफिस के लोगों को आपको कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, उस नंबर से। उसके बाद यहाँ पे आपका फोटोग्राफ, रिसेंट फ़ोटो अपलोड करना चाहिए, आपको एज प्रूफ देना चाहिए। एज प्रूफ के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या प्रूफ मांग रहा है, ठीक है। आप पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, आप मार्कशीट भी देना चाहते तो दे सकते हो, पासपोर्ट दे सकते हो, जो भी है यहाँ पे आप एज प्रूफ के लिए दे सकते हो। उसके बाद एड्रेस प्रूफ यहाँ अपलोड करना होगा, यहाँ पे एज प्रूफ जो भी है यहाँ पे सिलेक्ट करोगे यहाँ अपलोड करना पड़ेगा, और एड्रेस प्रूफ भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, और वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा चीज़ आप अपलोड कर रहे हो। आप रेशन कार्ड भी दे सकते हो, यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, जो भी चाहे आप दे सकते हो। मैं रेशन कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो भी चीज़ आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे बता रहा है आपका बर्थ अर्थात जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको लिखना पड़ेगा, आपको जन्म का विलेज, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और डेट, आपको जन्म का डेट यहाँ पे डालना पड़ेगा, जो भी आपका जन्म का डेट है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी ठीक यहाँ पे टिक मार्क है तो यहाँ पे आपको रहना देना चाहिए, इसको कुछ भी करना नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट में ऑप्शन है, इसको आप जहाँ आपका वोटर कार्ड था उसका एड्रेस आपको डालना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया। जहाँ का आपको वोटर कार्ड एड्रेस था, आप जिस स्टेट से आप आना चाहते हो उस स्टेट का आप यहाँ पे स्टेट डाल दीजिएगा, मैं महाराष्ट्र डाल लेता हूँ। यहाँ पे जो कंसल्टेंसी है उसका विधानसभा क्षेत्र है, ये विधानसभा क्षेत्र वहाँ का डालना होगा। आप जहाँ रहते थे वहाँ का हाउस नंबर आपको डालना पड़ेगा,
वहाँ का स्ट्रीट एरिया लोकेलिटी आपको डालना पड़ेगा, फिर विलेज वहाँ का पोस्ट ऑफिस, वहाँ का पिन कोड, वहाँ का डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जहाँ का वोटर कार्ड था, जहाँ का वोटर आप थे उसी जगह का यहाँ पे फिलअप करना होगा। उसके बाद प्लेस डालना पड़ेगा, प्लेस आप जिस जगह का फिलअप कर रहे हो, अगर आप वेस्ट बंगाल आना चाहते हो तो वेस्ट बंगाल का आप जिस ग्राम से आप फिलअप कर रहे हो उस आपका ग्राम जहाँ पे है विलेज, सिर्फ उस विलेज का नाम यहाँ आप डाल सकते हो, कोई भी एक, आप विलेज का भी डाल सकते हो, पोस्ट ऑफिस का भी डाल सकते हो, ये नहीं कि आप फुल एड्रेस यहाँ पे लिखते हो, फुल एड्रेस आपको यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए, आप अपना पोस्ट ऑफिस या विलेज यहाँ पे आप लिख सकते हो, या फिर आपका टाउन का नाम यहाँ लिख सकते हो, और यहाँ पे जो डेट है वो आपको जो भी है ये रहना देना चाहिए, आप जिस डेट पे आप अप्लाई कर रहे हो उसी डेट यहाँ पे आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चर फिलअप कर देना है, जो भी कैप्चर है उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है।